स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम के बीकॉम फाइनल ईयर का सिक्स सेमिस्टर का स्टूडेंट्स को वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स इंडेक्स नंबर्स की जो इंट्रोडक्शन और प्रॉब्लम नंबर 6 और उसकी सॉल्यूशन आज हम सीखेंगे। मैं हूं आपका प्राध्यापक डॉक्टर के वी सोमनाथ, जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेंगे। ये जो वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड जो है, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए अपने को वेट्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और जो अनवेटेड प्राइस रिलेटिव्स मेथड इसके पहले अपन सीखे थे, तो सेम वैसे ही तरीका है, लेकिन उसमें वेट्स को अपने को इंसर्ट करना पड़ेगा, यानी वेट्स को उसके साथ में जोड़ना पड़ेगा। Here also we may use either arithmetic mean or the geometric mean for the purpose of averaging weighted price relatives. यानी इसके पहले जो unweighted price relatives के समय जो arithmetic mean और geometric mean का जो problem किए थे, उसी तरीके से weighted average of price relatives में भी arithmetic mean और geometric mean की use अपन कर सकते हैं। The weighted average price relatives using arithmetic mean, उसके लिए जो पद्धति है, if p is equal to p1 by p0 into 100 is the price relative index. Agar p1 by p0 into 100 price relative index agar number hai, to w is equal to p0 into q0. It is attached to the commodity, then the weighted price relative index is, jab price relative index kaise hota hai, p01 is equal to sigma p1 by p0 into 100 into P0 Q0 by sigma P0 Q0 is equal to P01 is equal to sigma WP by sigma W. यहाँ W का नाम है P0 Q0, उसके बाद P का मतलब होता है P1 by P0 into 100. So P01 means price index is equal to sigma or summation of WP by summation of W. W माने weight, P माने P1 by P0 into 100. The weighted average price relatives using geometric mean. अगर geometric mean को use करते हुए, अगर अपने को price relative, average price relative weighted system के अंदर, weighted method के अंदर weighted average price relative को calculate करना है, तो उनका formula है P01 माने price index is equal to anti log of summation of W log P by summation of W. W माने weight, log P माने क्या है, जो P value है P1 by P0 into 100 उसकी logarithmic value है, उसकी summation, और finally सबको anti log करना पड़ता। ये और ध्यान में रहने के लिए अपन अभी एक problem देख लेंगे कैसे करेंगे। अभी problem number 6 आप देखिए। Compute price index for the following data by applying weighted average of price relatives method using arithmetic mean and geometric mean. अपने पास item दिया, यानी commodity दिया है यहाँ पे, wheat, flour, milk. P0, यानी base year, 3.0, 1.5, 1.0. Quantity 0, cages, 20, 40 and 10. P1, current year, 4.0, 1.6 and 1.5. पहला सॉल्यूशन देख लेते हैं। सेम टू सेम टेबल यहाँ तक अपन ड्रा कर लेंगे, उसके बाद वेटेज कैसे करना है। तो वेटेज करने के लिए अपने को तरीका क्या है, सिंपल तरीका है, अपने पास किलोग्राम्स है, 20 20 करके दिया हुआ है, यहाँ पे P0 प्राइस ऑफ बेस ईयर दिया हुआ है, 3 इंटू 20 60, 1.5 इंटू 40 60, 1.0 इंटू 10 10, ये आ गया अपने को वेट आ गया। और उसके बाद प्राइस वैल्यू, ये प्राइस जो है इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपना फार्मूला क्या है। इसके पहले जो स्लाइड में आपने देखे थे पी का फार्मूला पी वन बाई पी जीरो इंटू 100, वो अप्लाई करेंगे। पी वन कितना, 4, पी जीरो कितना, 3, सो 4 बाई 3 इंटू 100, सो इसका वैल्यू पी आया 133.3। वैसे यहाँ पर भी 1.6 बाई 1.5 इंटू 100, 106.7, यहाँ पर भी 1.5 बाई 1.0 इंटू 100 इज इक्वल टू 150। अब उसके बाद लॉग पी, यानी ये जो पी वैल्यूज आया है
इसको लॉगरिथमिक वैल्यू करना है। यहाँ पे कितने न्यूमेरिकल्स है, 1, 2, 3, 133 में 3 न्यूमेरिकल्स है, सो 3 नंबर्स है, 3 नंबर्स की जो अपने का कैरेक्टरिस्टिक होता है 2, सो 133.3 का जो लॉग वैल्यू है 2.1249, 106.7 का लॉग वैल्यू है 2.0282, 150 का जो लॉग वैल्यू है 2.1761, अपना लॉगरिथमिक टेबल में अपन देख सकते हैं। एक बार लॉग पी वैल्यू आ गया, अब उसके बाद अपने को कैलकुलेट करना है वेट इनटू पी वैल्यू क्या है। यहाँ पे वेट अपने को 60 आया है, यहाँ पी वैल्यू है, तो डब्ल्यू इंटू पी 60 × 133.3 8,000 रुपीज, 60 × 106.7 6,400, 10 × 150 1,500। तो समेशन ऑफ डब्ल्यू पी वैल्यू 15,900। उसके बाद अपना फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू लॉग पी कैलकुलेट करना है। सो ये डब्ल्यू है, ये लॉग पी है, जो 60 × 2.1249 यानी 127.494। उसके बाद 60 × 2.0282 यानी ये 121.692। उसके बाद 10 × 2.1761 यानी 21.761। सो डब्ल्यू लॉग पी का जो टोटल वैल्यू समेशन जो है 270.947 और वेट का जो समेशन है 130। तो समेशन कैसे आया, सिग्मा डब्ल्यू और समेशन ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 130, समेशन ऑफ डब्ल्यू पी इज इक्वल टू 15,900 और समेशन ऑफ डब्ल्यू लॉग पी इज इक्वल टू 270.947। ठीक है, अब अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ डब्ल्यू पी बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू। समेशन ऑफ डब्ल्यू कितना आया अपने टेबल में, देखो 15,900 और समेशन ऑफ डब्ल्यू माने वेट्स का टोटल 130 आया, सो 15,900 बाय 130 इज इक्वल टू 122.31। ये है अरिथमेटिक मीन के अंतर्गत अपने को प्राइस इंडेक्स क्रिएट करना। तो इसका मीनिंग क्या है, दिस मीन्स दैट देयर हैज बीन ए 22.31% इंक्रीज इन द प्राइसेस ओवर द बेस ईयर। तो जो बेस ईयर में 100 है तो करंट ईयर में वो 100 कितना हुआ, 122.31 यानी 22 रुपया 31 पैसे, समझो इतना प्राइस इंक्रीज हुआ है, यानी उसका परसेंटेज कितना है 22.31% हुआ है, यानी 100 में 22.31% इंक्रीज हुआ है प्राइस पुराने जमाने से, यानी बेस ईयर से आज के हिसाब। उसके बाद दूसरा क्या है, इंडेक्स नंबर्स यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। अभी अपने को ज्योमेट्रिक मीन की वजह से फॉर्मूला क्या है, P01 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ सिग्मा डब्ल्यू लॉग पी बाय सिग्मा डब्ल्यू। एंटी लॉग ऑफ सिग्मा डब्ल्यू लॉग पी अपना टेबल में कितना आया 270.947, ये है 270.947 बाय सिग्मा डब्ल्यू कितना 130। तो अपने को सिंपलीफाई किया तो एंटी लॉग ऑफ 2.084 आया, तो इसका वैल्यू है 121.3। यानी इसका मीनिंग क्या है, दिस मीन्स दैट देयर हैज बीन ए 21.3% इंक्रीज इन प्राइसेस ओवर द बेस ईयर, यानी आप अरिथमेटिक मीन के जरिए किया तो भी उतना ही 22.31% आया है, आप लॉगरिथमिक मीन के अंतर्गत किया है, आपको ज्योमेट्रिक मीन पद्धति में किया तो भी 21.3% इंक्रीज हुआ है जो पिछले साल से या बेस ईयर से करंट ईयर में जो प्राइस का इंक्रीज हुआ है 21.3% 21.3% का बढ़ोतरी प्राइस में हुआ है। ये है अपने को ये जो वेटेड प्राइस रिलेटिव्स मेथड में अपने को प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना। आई होप आप इसको समझ में आया होगा, और एक बार क्विक लुक आप प्रॉब्लम के तरफ देख लीजिए और उसके बाद आप प्रॉब्लम को एक बार दो बार पढ़ने के बाद और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप यू अंडरस्टूड, स्टे सेफ, स्टे प्रोटेक्टेड, थैंक यू ऑल द बेस्ट।